फ्रेंड हाउ आर यू हिस्ट्री न्यूज चैनल पर आप सभी पर टूरिस्ट साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए आपके टॉप मोस्ट कमेंट लेकर आए हैं। उन कमेंटों में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सबसे पहला कमेंट जो हमारे पास आया है वो सुनील कश्यप जी का है। सुनील कश्यप जी का कहना है कि जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनका पैसा कैसे मिलेगा। तो सुनील कश्यप जी, आपके बॉन्ड ऑफिस में जमा है और हम लोगों के भी बॉन्ड ऑफिस में जमा है और उनका पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए अभी सेवी विभाग ने कोई हमें अपडेट नहीं दी। और हमने जब सेवी विभाग से अपना संपर्क साधा तो उन्होंने हमसे कहा कि जिन लोगों के बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जल्दी ही कोई नई अपडेट आएगी तभी आपका समाधान होगा कि आपका पेमेंट कैसे होगा। तो उम्मीद है सुनील कश्यप जी आपको जवाब मिल गया होगा। और दूसरा कमेंट हमारे पास आया है सतवीर जी का। सतवीर जी का कहना है कि समृद्धि जीवन का पैसा कब मिलेगा। तो सतवीर जी, आप समृद्धि जीवन कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि समृद्धि जीवन के मालिक फरार हैं और जो प्रॉपर्टी उनकी जब्त की गई है उससे इतना पैसा नहीं इकट्ठा किया जा सकता कि आप सभी लोगों का भुगतान किया जाए, क्योंकि सेवी विभाग से हमने बात की थी आपकी कंपनी के बारे में तो उन्होंने हमें ये बताया था कि इसका मेजरमेंट गायब है और इसका मालिक जो भी है वो भी गायब है और सारा मोटा पैसा वो लेकर फरार है और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत थोड़ी प्रॉपर्टी है जिससे किसी का निपटारा नहीं हो सकता। और जब तक इनका मालिक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता या जब तक नहीं पकड़े जाते ये सब के सब ठग और चोर, जब तक आप लोगों का पैसा नहीं मिल सकता तो आपको जब तक इंतजार करना है जब तक ये इसके मालिक की तलाश ना हो जाए और वो पकड़ में ना आ जाए, तो तब तक आपका कोई भी पैसा किसी निवेशक को नहीं मिल सकता, ये सेवी का कहना है। नंबर तीन मोहम्मद मोहसिन भाई का कहना है, भाई क्यों झूठ बोलते हो, 2500 हमें तो अभी नहीं मिले हैं। मोहसिन भाई, हमने आपसे कब कहा कि 2500 वालों का पूरा मिल गया या हो गया। हम अपने वीडियो के माध्यम से कल हमने ये आपसे बताया था कि तीन कंपनियों को पल्स की प्रॉपर्टी बेचने के लिए लगाया हुआ है। उन तीन कंपनियों ने बहुत सस्ती प्रॉपर्टी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस शुरू की हुई प्रक्रिया में काफी प्रॉपर्टी अभी तक बिक चुकी है और जो बाकी है वो भी बिकने वाली है। लेकिन दोस्तों अभी पैसा मिलना सुनिश्चित नहीं हो पाया क्योंकि अभी हमारी रिफंड प्रक्रिया प्रोसीजर जो चल रहा है बॉन्ड सबमिट करने का वो अभी पूरा एक महीना है और उसके बाद ही कोई नई अपडेट आएगी कि हमारा पैसा हमें कैसे मिलेगा या कब मिलेगा। तो अब इनका कहना यह है कि 2500 हमें अभी नहीं मिला। तो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से ये कहा था कि 2500 वालों के जो पैसे अभी तक नहीं आए तो वो पैसे भी उन तक पहुंच जाएंगे इसी प्रक्रिया के साथ, यानी कि जो ए टू जेड सबके बॉन्ड सबमिट करा रहे हैं तो इनका जब पेमेंट किया जाएगा उसी के साथ आपका भी पेमेंट किया जाएगा, ये सेवी विभाग से हमें आश्वासन मिला है, धन्यवाद। चौथा पेमेंट हमारे पास आया हरीश चैंपियन का। हरीश चैंपियन का कहना है कि आई मिसिंग माई पल्स बॉन्ड सर। तो हरीश चैंपियन जी, मैं आपसे कह दूं कि ये आपका कोई पहला बॉन्ड नहीं है जो मिस हो गया है। लाखों बॉन्ड ऐसे हैं जो इसी तरीके की प्रक्रिया में बाहर हो रहे हैं, यानी कि रिफंड प्रक्रिया से ये बाहर होते नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनका कोई डेटा वहाँ पर मैच नहीं हो रहा, इसलिए आपके बॉन्ड मिसिंग आ रहे हैं। और जाने कितनी ऐसी परेशानियां हैं जिनके कारणवश बॉन्ड सबमिट नहीं हो पा रहे, तो हम आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि सेवी विभाग ने जो इस वक्त वेबसाइट लगाई है वो एक लौटी वेबसाइट है जिस पर 5,85,00,000 निवेशक अपने बॉन्ड सबमिट कर रहे हैं, जिस पर इतना लोड है कि कोई भी
बॉन्ड सबमिट नहीं हो पा रहा, ले दे के कोई आधा बॉन्ड सबमिट सुबह शाम में हो जाता है तो उसको समझोगे बहुत भाग्यशाली है, नहीं तो ज्यादातर बॉन्ड सबमिट नहीं हो पा रहे कुछ लोड के कारण, और कुछ जो हो रहे हैं तो उनमें मिसिंग आ रही है कि बॉन्ड जो मैच नहीं कर पा रहा उसका डेटा वहाँ, तो ये बहुत सारी परेशानी है जिसमें भैया हम तो सीधी सी बात है हम अपना कोई आइडिया अपने पास से नहीं देते कि आप ये कर लो या ऐसा कर लो। बस हमारा कहना ये है कि इस वक्त इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के दौर में हमारी जो पल्स निवेशकों की पार्टी है जनता लोक सेवा दल, उसको सपोर्ट और वोट करिए जब तक ये सत्ता में नहीं आती। जब तक पल्स निवेशक तो क्या 26,000 जो चिट फंड कंपनियां बंद कर दी गई हैं उनका भी पैसा मिलना आसान हो जाएगा, लेकिन वो जब होएगा जब अपनी पार्टी को ये 26,000 कंपनियों के पीड़ित निवेशक इसको सपोर्ट और वोट दोनों नहीं देते, गैर निवेशक को भी इनकी परेशानियां बताकर यानी कि अपनी परेशानियां बताकर उनका भी वोट जनता लोक सेवा दल को दिलाएं ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आए और हम लोगों के हक का फैसला हमारे ये पीड़ित निवेशक जो इस वक्त इसमें अपनी टिकट कटा चुके हैं यानी कि जिस भारतवर्ष के तमाम स्टेटों से इन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया है और ये पार्टी भैया किसी और की पार्टी नहीं, पहली बार ये 4 साल से जो पीड़ित निवेशक चल रहे थे उन्होंने ही अपने तौर पर इस पार्टी का गठन किया है और इस पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश है ताकि हमारा करोड़ों अरबों रुपया जो इस वक्त लुटा हुआ है यानी कि हम लोगों का जो पैसा लुट चुका है इस सरकार की वजह से या इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, उस पैसे को वापस पाने के लिए हमने अपनी पार्टी को गठित संगठित करा और संगठित करने के बाद अब ये टिकट लेने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा आपसे यही कहना है, जनता लोक सेवा दल आपका अपना दल है, उसको आप सपोर्ट और वोट करिए जब भी हमारे पैसों का कुछ समाधान होगा, अन्यथा कहीं से कहीं तक हमारे पैसों का कोई समाधान हमें होता नहीं दिख रहा है भविष्य में, पहले भुगतान फिर मतदान। जी हाँ, ये हिना मिर्जा जी ने हमें स्लोगन भेजा है कि पहले भुगतान फिर मतदान, मोदी जी। मिर्जा हिना जी का कहना है कि हम मतदान जब ही करेंगे जब हमारा भुगतान होगा। तो मिस हिना जी हमारा आपसे अनुरोध है कि आप पहले भुगतान करिए, पहले मतदान कीजिए और मतदान अपनी पार्टी को कीजिए जिस पार्टी को मैंने अभी अभी आपके सामने बताया कि जनता सेवा लोक दल जो पार्टी है ये पल्स निवेशकों की पीड़ित निवेशकों की पार्टी है जो इनकी खुद की अपनी बनाई हुई पार्टी है, ये कोई प्रोफेशनल नेता नहीं है ना कोई खिलाड़ी है, ये लोग आपके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसके लिए ये अब टिकट भी लेने जा रहे हैं, नामांकन भरने जा रहे हैं, तो आप इनका साथ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में इनके साथ जाइए और आप इनके नामांकन पत्र को दाखिल करवाने में इनका साथ दीजिए, धन्यवाद। छठा हमारे पास कमेंट आया है राजीव रांगे का, पैसा कब मिल जाएगा सही बताओ। राजीव रांगे जी, पैसा कब मिल जाएगा सही हम क्या बता दें, हमें खुद नहीं पता कि पैसा कब मिलेगा, बस हमें तो इतना पता है कि पैसा अब हमें जनता लोक सेवा दल ही दिलाएगी क्योंकि ये पार्टी पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेटों में अपने कैंडिडेट खड़ी कर चुकी है और हमारा अपना भी फर्ज बनता है कि इस पार्टी को सपोर्ट करें और वोट दें ताकि हम लोगों का पैसा हम तक अपनी पार्टी के हाथों मिल सके, धन्यवाद। अगला कमेंट हमारे पास है हुकम लोधी जी का कहना है कि 2,500 वालों से कम वालों का कम मिलेगा, तो हुकम लोधी जी 2,500 से कम वालों का भी पैसा सब निवेशकों के साथ मिलेगा और आपका पहले प्रक्रिया आपकी पहले चालू हुई थी 2,500 वालों की, तो हो सकता है कि आपका पहले मिल जाए, तो अभी हमें फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं पता कि पैसा कम मिलेगा।
नवा कमेंट है डीके कुमार जी का। डीके कुमार जी का कहना है फालतू बकवास बंद करो, पैसे मिलने की तारीख बताओ। डीके वर्मा जी, फालतू बकवास हमने बंद कर दी और पैसे मिलने की तारीख हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि सेवा विभाग से हमें कोई इस तरह की नई अपडेट नहीं मिल पा रही है। किसी तरह का कोई भी मैसेज हमें नहीं मिल पा रहा है कहीं से कहीं तक कि आप लोगों की कोई पैसे देने की तारीख तय कर दी गई हो। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि आपके पैसे मिलने की तारीख तो सुनिश्चित नहीं हुई, लेकिन आपके पहले भुगतान फिर मतदान वाला हमारा जो नारा है उसकी अग्रिम परीक्षा शुरू हो गई है। तो आप जो है पहले भुगतान तो नहीं मिल पाया, लेकिन आपकी जो पार्टी जनता लोक सेवा दल है उसको आप कामयाब बनाए ताकि आपका और हमारा पैसा जल्द से जल्द अपनी पार्टी के हाथों से मिल सके। और ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत कम टाइम है, जितनी हो सके इस पार्टी की सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट गैर निवेशक तक से अपना संदेश पहुंचाइए, अपनी परेशानियां बताइए ताकि वो भी हमारा साथ दे सके, वोट और सपोर्ट हमारी कर सके। तो दोस्तों दसवां कमेंट हमारे पास है संदीप यादव जी का। संदीप यादव जी कहते हैं सही से एक्सप्लेन करना सीखो। तो संदीप यादव जी, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम जन्म जात कोई न्यूज देने वाले नहीं है। हम एक सीधे साधे गांव में रहने वाले एक कृषक हैं जिनकी अपनी अलग भाषा होती है, जिनका अपना अलग सोच होती है, और जो सोच होती है वो बिल्कुल 100% जैनमैन होती है, जिसको हम कोई लगी चुपड़ी कर नहीं बताते हैं। जो बात होती है उसे इनडायरेक्ट बताते हैं, चाहे वो आपको पसंद आए या आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमारा काम आप तक अपना वीडियो पहुंचाना और आपको अच्छी जानकारी देना और सही जानकारी देना, यही हमारा अपना प्रयत्न रहता है। और हमारा अंत में आपसे यही कहना है संदीप यादव जी कि आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें, और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी बनाई गई हर एक वो वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो अब सबसे पहले आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल को करेंगे तो साथ के साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलेंगे ताकि हमारी वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। इसी के साथ यूएस खान को दे इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।